देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बोकारो में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि बीजेपी की राज्य या केंद्र की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। हमने महसूस किया है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत की जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाई और इसलिए हमने वो सब काम किया जिससे जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। अयोध्या और आर्टिकल 370 पर बोले राजनाथ सिंह। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां रामलीला पैदा हुए थे वहां राम मंदिर बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और ये करके दिखाया है। आज़ादी के बाद एक ही देश में दो प्रधानमंत्री थे, दो झंडे थे, जम्मू कश्मीर और भारत का, और 5 अगस्त को हमने चुटकी बजाते धारा 370 को समाप्त कर दिया। जो भी कहा वो करके दिखाया है। 3 तलाक पर उन्होंने कहा कि हमने बिना वोट की चिंता किए हुए हमने 3 तलाक की व्यवस्था समाप्त कर दी है। किसी और पार्टी की हिम्मत थी कि ऐसा काम कर सकती है, ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है और इसी वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम हुआ है। बता दें राजनाथ सिंह ने साथ ही लोगों के अपील, उम्मीदवार का चेहरा मत देखिए, आप बीजेपी को ध्यान में रखकर वोट कीजिए। मुद्दे बहुत सारे हैं, विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी ने कहा है कि गरीब रेखा के नीचे वाले लोगों के परिवार को, एक युवा को बेरोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हम राजनीति केवल सरकार के लिए नहीं करते, हम देश बनाए रखने के लिए करते हैं और इसलिए NRC का फैसला लिया गया है। NRC पर बोले राजनाथ सिंह। NRC पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम बाहरी नागरिक को जिस देश के नागरिक है उसे देश के विनम्र रूप से कहेंगे कि उन्हें वापस ले जाएं। हम गर्दन नहीं काटेंगे, हम अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पूरे देश को नक्सलवाद से देश को मुक्ति दिलाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बंदूक लेकर चलने की इजाजत हम नहीं देंगे। Next9 भोजपुरी से रोहित की रिपोर्ट। Next9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।